हाथ ऊंचा कर लीजिए कोई सवाल है आपके पास मेरे बारे में मैं मैं पांच किताबें लिख चुकी हूँ साइकोलॉजी पे ह्यूमन बिहेवियर पे बॉडी लैंग्वेज पे आ, कुछ भी पूछना चाहे मेरे Hello. बारे में आप, आप बचपन से करते आ रहे हैं जी आपको ये सब ये कैसे सीख लिया गुरु अगर को, कोई है क्या इसका हुँ. मैं हमेशा से मानती हूँ गुरु होना चाहिए लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है मतलब मैंने जब जादू करना शुरू किया तब मैं सात साल की थी सात साल की उम्र मैंने पहला मैजिक शो किया मेरा और वो ऐसा नहीं था अभी तो मैं अलग करती हूँ वो एक प्रॉपर मैजिक शो था जिसमें मेरे असिस्टेंट्स थे लाइट म्यूजिक लोगों को काटना जलाना उड़ना ये सब मैंने बेलगाँव में भी शो किए मेरे जादूगर सुहानी के नाम से बहुत पहले और उस बात को अच्छा चलो बता ही देते मतलब मैं अभी इतनी छोटी नहीं रही हूँ जितनी मैं आप लोगों को दिखती हूँ मैं अभी तीस साल की हूँ तो हाँ वो भी जादू है तो मुझे जादू करते करते अब 22 साल हो गए हैं तो शुरुआत मैंने वैसे करी फिर जब मैं मतलब अठारह उन्नीस साल की थी तो मुझे लगा यार कि मैजिक को एक अलग रूप देना ज़रूरी है और मैं साइकोलॉजी में बहुत थी मेरे क्लिनिक चल, चलाती थी तो मुझे एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि मुझे मैजिक और जो मैं क्लिनिकल थेरेपी में लोगों को जो ठीक करने का काम करती हूँ उसको एंटरटेनमेंट से मिलाकर कुछ ऐसा देना है जो लोगों ने देखा नहीं है तब जाके मैंने मुझे आठ महीने लगे आठ महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया था मैं हिमालय चली गई थी बोलती नहीं थी और पूरा शो तैयार किया और फिर मैं वापस आई और ये शो जो अब जो मैं करती हूँ ये अभी अभी दो साल पहले ही शुरू किया है मैंने तो मैंने जैसे बोला बहुत टाइम लगता है मतलब इवन आपको पता भी चल जाए कि हम कैसे कर रहे हैं उसको करना इज नॉट not... जैसे मैं आपको बोल दूर कि ये भाषा पे हम ऐसे ऐसे करते हैं लेकिन वो उस वक्त वैसे बोलना वो समझना लोगों का तो एक्सपीरियंस बहुत लगता है मुझे बाईस साल हो गए मुझे ये चीजें पहले भी करनी थी पर कभी कर नहीं पाई अब बाईस साल हो गए अब करते रह गए अभी कॉन्फिडेंस भी आ गया अभी हो जाता है अभी भी गलतियां होती है बहुत गलतियां होती है स्टेज पर लेकिन हंस लेते हैं हम <laughs> सबकॉन्शियस अच्छा, uh, 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 जो अवचेतन मन जैसे हम बोलते हैं उसके अंदर हमारी बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पर स्टोर होते हैं जैसे कि एडिक्शन ले लो स्मोकिंग ड्रिंकिंग गैमलिंग सेक्स ड्रग्स ये सब अडिक्शन है हमको छोड़ना हो तो भी हम नहीं छोड़ पाते सबकॉन्शियस प्रॉब्लम तो um, जैसे उसके लिए हम थेरेपीज करते हैं रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं बहुत सारे मतलब जो भी चीजें जो मानसिक रूप पे प्रॉब्लम्स होती है फिजिकल नहीं बुखार है तो मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती है और जो भी प्रॉब्लम्स मेंटली स्टार्ट होती है डिप्रेशन कभी कभी सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एनजाइटी घबराहट होना तो ये सारी चीजें कितने दिन लगता है मैडम डिपेंड करता है इशू क्या है वो वन टू वन बेसिस पे मैं सॉल्व करती हूँ मेरा गोवा में भी क्लिनिक है पर अभी मेजरली बॉम्बे में चलता है बॉम्बे में अब मैं पहले गोवा रहती थी मैं अब बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ okay. जी हेलो हेलो जी सर आप किसी को सिखा सकते हैं क्या बच्चे को मैजिक? Uh, मैं जादू सिखाने में मानती नहीं हूँ क्योंकि इसे uh, मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला हुआ है लोग बोलते हैं कि अगर आप सिखाओगे नहीं तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेगी ये कला कैसे आगे आएगी आज भी लोग ज्यादा जानते नहीं इसके बारे में तो मेरा यह मानना है कि जादू कला ही ऐसी है जिसको सिखाना नहीं चाहिए क्योंकि उदाहरण के रूप में अगर बताओ समझो मैंने बेलगांव में एक स्कूल खोल दी जहां बच्चे आके मैजिक सीखते हैं इसका यह मतलब होगा कि बेलगांव के सारे बच्चों को मैजिक आ जाएगा तो वो दिखाएंगे किसको क्योंकि तो उन सबको बात है कि कैसे हो रहा है तो जादू कला की सबसे बड़ी खासियत है उसकी मिस्ट्री उसकी सीक्रेट वो जितने कम लोगों को पता चले उतनी कला बढ़ेगी और जितने लोगों को ज्यादा सीक्रेट पता चलेगी उतनी कला मर जाएगी तो मैं तो कला मारने में विश्वास रखती नहीं हूँ तो तो एक भी जन को नहीं सिखाऊंगी मैडम सीखना है वो कहीं मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं था मैंने भी बहुत मशक्कत करी है तो लोग भी मेहनत करे और आजकल यूट्यूब है ये वो है वो सब कुछ है जिनको आता है उनको मैं सपोर्ट करती हूँ जिनको नहीं आता घुसना है आखिरी सवाल आप ही डिसाइड कर लो आखिरी सवाल बता रहे हैं ऑलरेडी आपने कई किताबें लिखी है वो अगर पढ़ना हो तो मेरी ऑनलाइन सारी किताबें मिलती है अरे यार मैं यहाँ पर ना आपको भिजवा दूंगी मेरी okay, मैं दिल्ली जी क्या मेरी मेरी चार पांच किताबें हैं एक हिंदी में बाकी सारी इंग्लिश में इनको भिजवा दूंगी या कभी हम हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो आप इनसे इनसे ही संपर्क कर सकते हैं इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं आपको नहीं तो ऑनलाइन मिलती है मैं पहली तक ही स्कूल गई हूँ पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती मेरे को लिखना नहीं आता था तेरह साल की उम्र तक और मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी चौदह साल की उम्र तक उसके बाद मैंने खुद ने किताब लाके खुद ने पढ़ना सीखा तो कोई भी अगर ये बोल देना कि यार मेरे को बराबर एजुकेशन नहीं मिली कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि ये नहीं था वो इसलिए मैं कामयाब नहीं हो तो ये सब झूठ है मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ मैं पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था चौदह साल की उम्र तक मेरे कभी कोई दोस्त नहीं रहे किसी ने मुझे कुछ सिखाया नहीं जब मैं लोगों के पास मदद लेने गई तो तब लोगों की बच्ची को कुछ नहीं आता इसको क्या सिखाना तो भी अगर इंसान को करना होता है तो वो करता है तो हमको ये कोशिश करें कि हम बहाने कम दे और जीवन में कुछ करें तो ठान ले गिरेंगे तो उठेंगे और गिरेंगे और उठेंगे और गिरेंगे और तब तक उठते हो जब तक आगे चलते नहीं कोई भी बहाना देना मतलब मेरे सामने को आगे बोलते मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला किसी को कुछ नहीं मिलता जिसको कामयाब होना है वो होता है किसी भी तरह होता है लेकिन होता है तो वो डेस्पिरेशन वो पैशन होनी कि मुझे कामयाब होना है बाकी तेल लेने जाए सब कुछ जब तक वो जज्बा नहीं होगा ना ऐसा जज्बा वाले दूसरे लोग हैं जो उस जज्बे को और वो कामयाबी को लेके चले जाएंगे आपके हाथ से तो वो जज्बा रखिए और आप कामयाब बनेंगे थैंक यू सो मच